कही अनकही बातें, शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। क्या आप जानते हैं दुनिया में कई ऐसी रहस्यमय जगह है जहां कई रहस्य छुपे हैं। चलिए मैं आपको वहां ले चलती हूं। मैं आपको आज ऐसी पांच जगहों के बारे में बताऊंगी। कुलधारा गांव, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक गांव है जिसे शापित और रहस्यमय कहा जाता है। इसका निर्माण 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। कहा जाता है सलीम सिंह, जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, गांव पर काफ़ी सख्ती से पेश आते थे। इस वजह से सभी गांव वाले परेशान थे और उन्होंने रातों रात गांव छोड़ दिया और जाते जाते श्राप देकर चले गए। इस वजह से यह गांव शापित कहलाता है। कोडनी, केरल। जुड़वा बच्चों का गांव। कोडनी केरल के मलप्पुरम जिले के एक छोटे से गांव कालीकट से सिर्फ 35 किलोमीटर साउथ में है। यहां असामान्य रूप से बड़ी संख्या में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। इसे विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। यहां 200 से अधिक जुड़वा बच्चे हैं। रूपकुंड, उत्तराखंड, कंकाल झील। रूपकुंड में हर साल जब बर्फ पिघलती है तो 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक स्थित झील सैकड़ों मानव कंकाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये कंकाल लगभग 1200 साल पुराने हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये कंकाल कन्नौज के राजा जसधवल, उनकी गर्भवती पत्नी और सैकड़ों नौकरों के हैं जो नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहां पहुंचने से पहले ही वहां बहुत तेज तूफान आ गया जिसकी चपेट में वे सब आ गए और उन पर ओलों की बरसात हुई। ओलों का साइज क्रिकेट बॉल जितना बड़ा था। छुपने के लिए पूरा समूह झील के पास रहा और वहीं से समाप्त हो गया। अब तक ये नहीं पता चल पाया कि वो सब लोग कहां गायब हो गए, लेकिन ये सब कंकाल उन्हीं के माने जाते हैं। जनतिंगा, असम, जहां पक्षी आत्महत्या करते हैं। असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में वह सब कुछ है जो आप एक पीसफुल हॉलीडे से उम्मीद करते हैं। सूर्यास्त के ठीक बाद जब स्थानीय लोग रात की तैयारी में बिजी होते हैं, सैकड़ों प्रवासी पक्षी यहां सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। ये सच में हॉरिबल है। कहा जाता है इस घटना के लिए बुरी आत्माएं जिम्मेदार हैं, लेकिन ऑर्थनोलॉजी के अनुसार वह इस बात से एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि मानसून कोहरे और ज्यादा ऊंचाई वाले पक्षी जब गांव की रोशनी की ओर अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो वे पेड़ों और इमारतों से टकराते हैं जिससे मौत या गंभीर चोटें आती हैं। लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि ये पक्षी रात में क्यों उड़ते हैं और वे हर साल एक ही जगह क्यों फंस जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भानगढ़ किला, राजस्थान। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। 17वीं ईस्वी में भानगढ़ किला राजस्थान में गतिविधि का केंद्र था। यह बहुत सुंदर किला था, लेकिन किले के अच्छे दिन जल्द ही समाप्त हो गए और अब इसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में जाना जाता है। यहाँ तक कि किले के पास भारतीय नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि सनसेट के बाद जाना मना है। कुछ इसे अभिशाप कहते हैं और दूसरों का मानना यह भी है कि यह जगह एक जादूगर की बुरी आत्मा का घर है जिसे भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार था। बट ये कोई भी अफवाह का सबूत नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ के किले की खूबसूरती देखने लायक है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर कोई उस किले में शाम के बाद जाता है तो वहाँ से वापस ही नहीं आ पाता। खैर, ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। आप सब लोग में मुझे बताइए कि कौन कौन वहाँ गया है या फिर जाना चाहता है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प और कहीं अनकहीं बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कहीं अनकहीं बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।